नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने दावा किया है कि सिरसा लोकसभा के अंतर्गत सभी 9 विधानसभाओं में भाजपा जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है और मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में कराए गए समान विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे और प्रदेश में एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार बनेगी। टिकट नहीं मिलने से पार्टी के नाराज नेताओं पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ रूठों को मनाया भी है, लेकिन जो लोग स्वार्थवश पार्टी छोड़कर चले गए उनसे पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा भाजपा अपना 75 पार का नारा अवश्य पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद जितने भी चुनाव हुए उन सभी चुनाव में लगातार भाजपा ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं व संगठन की मेहनत से यह मुकाम भाजपा ने हासिल किया है। इसी के साथ आप देखते रहिए पल पल की खास रिपोर्ट। आखिरी दिन था नामांकन का और 9 की 9 विधानसभा जो हमारे सिरसा लोकसभा में पड़ती हैं, जिसमें 5 विधानसभा हमारे सिरसा जिले की हैं, 3 विधानसभा हमारे फतेहाबाद जिले की हैं और 1 नरवाना की। 9 की 9 विधानसभा में बड़ी सुचारू रूप से जो है नामांकन दाखिल हो गया है। सबके कार्यकर्ताओं में बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है। संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो सभी कार्यकर्ताओं के साथ, सभी हमारे उम्मीदवारों के साथ लगे हुए हैं और पूरी उम्मीद है हमें कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें नारा दिया है कि अब की बार 75 पार, फिर एक बार ईमानदार सरकार, उस नारे को चरितार्थ करने के लिए जनता भी जो है वो कमर कस चुकी है और चारों तरफ से जो है माहौल बड़ा अच्छा जोश और उत्साह के साथ नज़र आ रहा है। और बस यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान का परचम जो है वो अमेरिका में भी जाकर लहराया है, एक ऐसा देश था जिसको माना जाता है कि सबसे सुप्रीम पावर है, वहाँ पर जाकर भी अगर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है तो हम ये मान सकते हैं कि जो भारत जो है वो विकास की तरफ जा रहा है। और उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर जिस तरह से एक विकास पुरुष के रूप में काम किया है और जिस तरह से उन्होंने चारों तरफ बिना ये देखे हुए कि इस इलाके में हमारा विधायक है या नहीं है, चारों तरफ जो है विकास किया है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये नारा दिया है। तो उस हिसाब से मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हरियाणा में फिर से बनेगी और पूरी उम्मीद है हमें कि जो सिरसा जिला है उसकी 5 की 5 विधानसभा जो है वो अब की बार कमल का फूल खिलाएंगी और भारतीय जनता पार्टी का परचम जो है यहाँ पर पहली बार मुझे नज़र आ रहा है कि जो है यहाँ पर लहराएगा। और आपके सिरसा से हमारे कैंडिडेट भाई प्रदीप रातुसरिया जी मेरे सामने हैं, आप लोगों के समक्ष हैं और ये भी बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए और कई सालों से संगठन में तत्परता से काम कर रहे हमारे महामंत्री भी हैं और सारे के सारे हमारे संगठन के लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हमारे पूर्व में जो विधायक भाई मक्खन जी वो भी इनके साथ हैं और हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के सिरसा की राजनीति के कण कण से जो वाकिफ़ हैं, ऐसे हमारे जगदीश चोपड़ा जी, भाई मनीष जी, तो सब के सब हमारे साथ हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी यतिंदर जी जिन्होंने यहाँ पर जो है वो संगठन को पूरा ऊपर उठाने का काम किया है, तो सब के सब हमारे साथ हैं। तो देखिए ऐसा है कि हमने पूरी कोशिश की कि जो भी हमारे एस्पिरेंट्स थे कि वो सब के सब हमारे साथ आए, तो उसमें अगर कोई एकाध कैंडिडेट जो है उनकी अगर कुछ मन की इच्छा कुछ और है, स्वार्थवश अगर वो पार्टी के साथ संगठन के साथ नहीं चलना चाह रहे तो उसमें फिर हम क्या कर सकते हैं, हम तो उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं क्योंकि संगठन जो है टिकट तो एक ही को देगा और उसके बाद हम ये सोचें कि अगर हमारी स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तब हम संगठन के साथ नहीं है, तो वहीं से आपका असलियत आपकी पता लगती है कि आप कितना संगठन के साथ हैं। आप सिर्फ स्वार्थ के लिए संगठन के साथ हैं या हर समय में आप संगठन के साथ हैं, अपने हर ऊंचाई में निचाई में सुख में दुख में संगठन के साथ जो होता है संगठन उसके साथ खड़ा रहता है। मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी छंटनी हो गई है, इससे अब हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो और जोश के साथ काम करेंगे क्योंकि खतरनाक वो लोग होते हैं कि जो जिनकी मंशा कुछ और होती है और वो आपके अंदर रहकर जो है आपको खोदने का काम करें। जो इस तरह से निकल गए मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो समय से जो है वो हमको छोड़कर चले गए और हमें पता लग गया इस बात का कि ये हमारे साथ नहीं थे, ये स्वार्थ की वजह से हमारे साथ जुड़े हुए थे। 75 पार तो आपको हम 80 पार भी करके दिखाएंगे, आप चिंता मत करो। हमारे कार्यकर्ता लगे हैं पन्ना प्रमुख तक, हमारे जो है कार्यकर्ता नीचे जमीन तक हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, तो आप ये देखना कि 75 पार का नारा हमारा जरूर पूरा होगा। इसी तरह की बात जो है वो प्रेस उस समय कर रहा था जब हमने 300 पार का नारा दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में और 10 की 10 आपको हरियाणा के अंदर जीत के दिखाई के नहीं दिखाई। आप ये बताओ कि जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा सरकार को संभाला है तब से हमें एक भी आप ऐसा चुनाव बता दो कि जो हम हारे हों,
एक भी चुनाव हम लोग नहीं आ रहे हैं, चाहे आप मेयर के चुनाव की बात करो, चाहे आप जींद उपचुनाव की बात करो, आप किसी भी चुनाव की बात करो, उसके बाद हमें जीत ही जीत मिली है। लोकसभा 10 की 10 हमने जीती हैं, तो अब की बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोच समझ के ये नारा दिया है, अब की बार 75 पार, अब की बार 80 पार भी कह सकते थे, 75-85 पार भी कह सकते थे, लेकिन कहीं कहीं उनको नजर आया कि भाई यहाँ भाई 15 तो छोड़ दें बेचारे, इतने सारे दल लगे हुए हैं, और तो इसलिए उन्होंने बड़ा सोच समझ के ये नारा दिया है अब की बार 75 पार। देखिए आप लोगों की दुआ से, हमारे सबके आशीर्वाद से 40 की हमारी लिस्ट है, और उसमें पता लगा कि छोटा सा स्टार प्रचारक मैं भी हूँ, तो इसके अलावा 40 हमारे स्टार प्रचारक हैं, और वो लिस्ट आपको जो है हमारे वरिष्ठ नेता चोपड़ा साहब वो आपको दे देंगे, तो वो 40 के 40 पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर प्रचार करेंगे। जो है कोई अभी करेंगे, सारी पूरी नीति बनेगी हमारी, 12 जो रैली हैं वो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की हैं, 4 रैली जो हैं वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हैं, और 12 ही रैली जो हैं वो राजनाथ जी की हैं, तो हमारे हिस्से क्या आता है हम देखते हैं, लेट्स सी। चिट्टे की ये पोजीशन है, देखो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, एसटीएफ एक स्पेशल टास्क फोर्स है, ये जो यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ का जो हमारा पुलिस का प्रशासन है, उसके अदर देन दैट काम करती है। अगर मैं आपको उनका रिकॉर्ड निकाल के दिखाऊँ तो वो आज की तारीख में कई जगह से कई कई किलो अफीम, कई कई किलो हीरोइन, कई कई किलो भुक्की वो लोग जब्त कर चुके हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने जहाँ कहीं पर भी पता लगाया, जैसे राजस्थान में वो लोग इस कोशिश में है कि पता लगे कि बेसिकली आ कहाँ से रही है। अभी 2 जो है वो 60 kg के करीब, पता नहीं कितना, 60 वो कितना करोड़ के करीब जो है वो उसका अभी हीरोइन मिली है, और उसमें जो 2 बंदे लिप्त पाए गए हैं उनसे पूरी पूछताछ करने के लिए उनकी फोर्स जो है वो प्रदेश में गई हुई है, राजस्थान में या अपने पंजाब साइड में। आप सेटिस्फाइड हैं पुलिस की कार्रवाई से? और चाहती हूँ मैं, मतलब बिल्कुल सेटिस्फाइड मैं नहीं कह सकती, मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा ताकतवर तरीके से यहाँ पर ये काम हो। और मेरी में हमने जो बनाया 5 स्टेट्स का चीफ मिनिस्टर, हाँ वो तो इन लोगों को हम बता चुके हैं पहले, सीएम साहब खुद आके बता चुके हैं कि जो उनके साथ जो है मुख्यमंत्रियों के साथ जो है बैठ के बातचीत हुई है, डीजीपीज के साथ बात हुई है, तो ये जो है पूरा ये इंटरस्टेट लेवल मामला है, और जब तक सभी स्टेट्स के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसके अंदर सीरियसली होके काम नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहें, ये मेरा प्रण है, 5 साल के अंदर अंदर इस इलाके को हमें बिल्कुल फ्री करना है, चिट्टा फ्री करना है, और हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना है।